हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे पूरी होप है अच्छे ही होगे और दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी, जैसे हमने की है। इस बार फुल डेकोरेशन की है, पूरे घर को सजाया है। ये मैंने रंगोली बनाई थी, बट दिए रखने का आइडिया उनका था। और ये वाटर टैंक में हमने बनाना लीफ रखा है, केले का पत्ता, उसमें दिए और कुछ फूल हैं। बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स, इस बार हमने फुल एंजॉय किया दिवाली पे। इधर ये देखिए, मेरे हस्बैंड ने एक ब्रांच लगाई थी ट्री की, उन्होंने इस पे ऐसे दिए रखे थे। तो कैसे घर मैंने फुल डेकोरेट किया, देखिए हमारे डॉग्स भी दिख रहे हैं, तो वो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। आइए देखिए कैसे लग रहा है अंदर से घर हमारा। ये मेरी कैट है डेजी। इन लोगों ने कुछ तंग नहीं किया, कुछ भी तंग नहीं किया, कुछ रंगोली खराब नहीं की, आराम से बैठे रहे। हम लोगों ने दिए ही यूज किए थे, जिसमें तिल का तेल जो होता है, जिंजली ऑयल, वो यूज किया गया था, ताकि दिवाली पोल्यूशन फ्री मनाई जा सके। मैं होप करती हूँ आप लोग भी ऐसे ही सेलिब्रेट करोगे नेक्स्ट टाइम दिवाली। ये जो पेपर लैंप्स हैं, इसमें भी हमने दिए ही यूज़ किए हैं। और कुछ ऐसे मैंने ट्री बनाया था ब्रांच के ऊपर डेकोरेशन करके, कुछ लाइट्स लगाई थी। देखिए इस तरह से लैंप्स बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मॉडर्न एंड देसी आप कह सकते हो, नेचुरल डेकोरेशन हुई थी, कुछ भी हार्मफुल नहीं था, ना पेट्स के लिए, घर में पालने वाले एनिमल्स के लिए कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं थी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि किसी को भी परेशान ना किया जाए, अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट किया जाए, कोई भी ध्वनि प्रदूषण ना हो, कुछ भी शोर ना हो, तो सेफली एंड हैप्पली दिवाली मनाई जाए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने स्पेशल कुकिंग की थी, समोसे बनाए थे दिवाली के दिन, वो हमारा वाटर टैंक है, जिसमें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ बनाना लीफ पे डेकोरेशन की थी। तो आई होप आप ये वीडियो पसंद करोगे, लाइक करोगे। वो देखिए तुलसी कट्टे कहते हैं उसको, तुलसी के साइड पे भी हमने डेकोरेशन की थी। तो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। सो बाय बाय फ्रेंड्स।